एक स्कोर से आगे चलता हुआ और जुनून के साथ अपने टीम का नामांकन दर्ज कराया है आरवासी बगला साहब के ऐतिहासिक मैदान पर, जहां 1,10,000 की इनामी राशि जो है कि दांव पे लगी हुई है। गत वर्ष की ये चैंपियन टीम रही है, गत वर्ष 1,00,000 की इनामी राशि इन्होंने अपने नाम किया था और इस वर्ष 10,000 का इजाफा और हुआ है, यानी कि कुल मिलाकर 1,10,000 रुपए की इनामी राशि इस वर्ष के टूर्नामेंट में है। तो पहले फाइनलिस्ट की भूमिका अपने नाम करना जरूर चाहेगा यहाँ पर किंगफिशर एफसी। एक शून्य की बढ़त अब भी अपने कैमरे में बरकरार रखे हुए, हालांकि चंद मिनट हुए हैं यहाँ पर मध्यांतर के बाद का खेल यहाँ पर चलता हुआ। अब मध्यांतर के बाद कौन सी रणनीति अपनाएगी राहुल गैलेक्सी, ये देखने वाली बात होगी। जो भी दर्शक कूपन के माध्यम से पुरस्कार पाने का सौभाग्य मिला है उन्हें, उन सभी दर्शक भाइयों से अपील है अपने टिकट को बिल्कुल बचा के रखें, बस कुछ ही मिनट के अंतराल में हम पुरस्कार वितरण करने वाले हैं। तो जो भी कूपन आपके पास है और जो लकी ड्रॉ में शामिल हुआ था जिसमें आपका नाम आया है, आप लोग बिल्कुल सामने ही रहेंगे। दूसरी बढ़त बनाने का प्रयास करेंगे यहाँ पर किंगफिशर एफसी। एक खिलाड़ी चोटिल हुए हैं, उन्हें बाहर जाना पड़ा है। मुकाबले कल भी कुल मिलाकर 12 टीमें महिला और पुरुष वर्गों के टीम को अगर मिलाया जाए, और कल भी उड़ीसा बंगाल और हमारे झारखंड के काफी सारे ऐसे नामचीन टीम शामिल है टूर्नामेंट में, हालांकि आज हमें एक फाइनलिस्ट टीम मिल जाएगी, दूसरे फाइनलिस्ट टीम के लिए हमें कल तक का इंतजार करना पड़ेगा। और जो भी महिला टीम पार्टिसिपेट की है आज के आज उन सबों का फाइनल मैच हो चुका है, और आगामी कल जो 4 टीमें हैं उनका भी फाइनल मैच कल ही संपन्न कर दिया जाएगा, मगर पूरे टूर्नामेंट का जो पुरुष वर्ग का खेल है उसका फाइनल मैच 20 फरवरी को इसी मैदान पर संपन्न की जाएगी। राहुल गैलेक्सी को अपनी गति बढ़ानी पड़ेगी यहां पर। या फिर 45 मिनट के खेल में ये दोनों ही दल दो हाथ करती हुई, खेल का आधा समय बीत चुका है, लगभग आधे समय में 1-0 की बढ़त किंगफिशर एफसी अपने नाम कर चुकी है। गत वर्ष की विजेता टीम इस वर्ष भी, उनकी कोशिश जरूर है कि इस वर्ष भी हम विजेता बने, और हमारे इस आसपास के क्षेत्र में जब भी बड़े बड़े टूर्नामेंट का आयोजन हुआ है तो काफी बार चैंपियन रही है ये टीम। और याद रखें कल भी लाल लाल खोड़िया खोड़िया का आयोजन है, कहने का मतलब मुर्गा पाड़ा, कल भी मुर्गा पाड़ा का आयोजन है। दोनों का यहाँ पर इस्तेमाल होता हुआ, मगर हम सुबह में ही आप सबको जानकारी दे चुके थे कि हमारे सभी निर्णायक कल भी जो कूपन आप प्राप्त करेंगे उस कूपन को अपने पॉकेट पर सुरक्षित रखेंगे, कल भी इसी तरह से पुरस्कार दिए जाने हैं लकी ड्रॉ के माध्यम से।
प्रयास में किसी तरह की कमी नहीं है राहुल गलापसी की ओर से, मगर सफलता से कोसों दूर। यहां पर देखिए किस तरह का गेंद मिली थी, अगर टारगेट पर रख पाते तो। बात करते हैं मैदान पर चलता हुआ कुछ समय और शेष इस मैच की समाप्ति के लिए, बाकी बचे समय में क्या खेल को बराबरी पर ला पाएगी राहुल गेला या फिर 1-0 से इस मैच को जीतने में सफल हो जाएगी किंगफिशर एफसी। अच्छा प्रयास यहां पर, मगर साथी खिलाड़ी का सपोर्ट यहां नहीं मिला उन्हें। रंजीत अपने टीम के लिए 2 स्कोर दिए हैं प्रथम चक्र के मैच में, और हमारे साथी कमेंटेटर ने यह जानकारी आप सबको दी है कि कुल मिलाकर 18 स्कोर इस टूर्नामेंट के हो चुके हैं और वहीं 4 या फिर 5 प्ले कार्ड का भी इस्तेमाल हुआ है, इतने बड़े को प्रदर्शन किया है। और कहा जाए तो हमारे सभी निर्णायकों की पकड़ भी बहुत बेहतरीन रही, अच्छा डिसीजन देने में सफल हुए हैं। हमारे पत्रकार बंधु विद्यास सागर जी महिला वर्ग के टीम मैनेजर से कुछ जानकारियां प्राप्त करते हुए, ताकि कल के अखबार में उस पूरे खेल का विवरण हम देख पाए, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल गेला का 1 स्कोर फिर पर लाके खड़ा कर देगा, वहां का बन सकता है जैसे जबरदस्त में 1-0 की बढ़त बनाते ही पूरे मैच का जो कलर था उनको पलट चुके थे किंगफिशर एफसी के सभी खिलाड़ी। क्या मैच का कलर यहां पर फिर से पलटेगा, और यहां पर मैच का कलर सही मायने में पलट चुका है, खेल 1-1 की बराबरी पर। एक रोमांचक मुकाबला है ये पहला सेमीफाइनल मैच। कहा जाता है कि प्रयास कोशिश हमेशा करते रहने चाहिए, और कुछ बदस अर्जुन टुडू को विश्राम दिया जा रहा है उनके स्थान पर जैसे पटनायक। बाकी बचे समय में कप्तान का यह फैसला कहां तक सही साबित होता है यह देखने वाली बात होगी। सेमीफाइनल का यह मैच 1-1 की बराबरी तक ये गलत मोड़ लेता हुआ खेल का रोमांच जो है फिर से बढ़ता हुआ। राहुल के लक्ष्य जैसे नंबर 11 साथी खिलाड़ी को छोटे छोटे पास के साथ आक्रमण की तैयारी करते हुए जैसे नायक अभी अभी मैदान पर आए हैं। यहाँ पर तालमेल की थोड़ी सी कमी राहुल के खिलाड़ी के द्वारा, किंगफिशर
जसिन बत्तेरा गेंद लेकर आगे बढ़ते हुए रोकने का प्रयास जरूर करेंगे यहाँ पर राहुल गैलेक्सी के खिलाड़ी। बैक पास करते हुए जसिन पांच साथी खिलाड़ी अपने दाहिने छोर पर गेंद को बढ़ाएंगे। दूर से प्रयास किया गया यहाँ पर इवेंट भी संपन्न किए जाने हैं, काफी सारे इवेंट आप सबों के लिए सजाए गए हैं। तो याद रखें 20 फरवरी को बिल्कुल सुबह 9 बजे से स्पोर्ट्स के कार्यक्रम को आरंभ किया जाएगा और 3 बजे इस पूरे टूर्नामेंट का जो फाइनल मैच है उनको हम संपन्न करेंगे। लंबी पास तीन पीछे रहती मगर दो रक्षक आगे निकल आए गेंद को अपने कब्जे में लेते हैं। बाकी बचे समय में अगर टीम कोई भी टीम स्कोर कर जाती है तो लगभग 90% जीत उनके नाम हो जाएगी। इसलिए बाकी बचे समय में वापसी करना काफी मुश्किल हो जाएगा। तो दोनों ही दल चाह रही है कि अगर स्कोर नहीं कर पाते हैं तो हम गोल से पीछे ना हटे। और इससे लंबे विषय के साथ मैच समाप्ति की घोषणा हुई है मगर रिजल्ट मैं है आपका या फिर आपका है तो कृपया आप मंच पर चले और चाबी चाबी को ले लें। नेट खुला हुआ है Thank you.
और चलिए इस तरह से गत वर्ष की चैंपियन टीम इस वर्ष भी फाइनल में प्रवेश कर चुके हैं।